नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। সুমিত দ্রুমদল সুহাসিনী সুমধুর ভাসিনী সুখদান বরদান মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। ওয়ার্ড নম্বর 64। क्या हुआ प्रोग्राम? क्या हुआ ये जो एम्बुलेंस का ओपनिंग जो हो रहा है जुपिटर फाउंडेशन के तरफ से, मैं इनका आभारी हूँ। जुपिटर फाउंडेशन को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी के समय में बहुत कम ऐसा फाउंडेशन हो या कोई हेल्पफुल काम हो। ये जुपिटर फाउंडेशन बहुत दिन से ये करते आ रहे हैं, मैं इनका साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। मिस्टर अरूप राय के साथ में मैं बहुत दिनों से हूँ। ये एम्बुलेंस बहुत ही गरीब आदमी के लिए काम आएगा, जिसके पास कुछ पैसा का अभाव है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो कि नहीं जा सकता है पैसे का भाव से, उसके लिए जुपिटर फाउंडेशन आ गया है। ये हमारे सार्वजनिक काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं इसके लिए इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये जो एम्बुलेंस चालू हो रहा है सर, इसका क्या रोल क्या रहेगा? जुपिटर फाउंडेशन पक्ष के एम्बुलेंस चालू हो सद्य अरूप राय दा रही सद्य चैताली दी रही वन प्रोग्राम अनुसारे हे एम्बुलेंस एन आई हॉस्पिटल विजिट कर प्रथम এখন আই হসপিটালের যা শুরু করবে কাঠপুলপাড়া তরুণ সংঘ, ওখান থেকে কভার করবে মোহন সিং ডাঙ্গাল, মোহন সিং ডাঙ্গাল থেকে যাবে বৃন্দাবন গলি, বৃন্দাবন গলি হয়ে আপার কুলটি কলোনি থেকে ফতেপুর পর্যন্ত এখন যাবে। তারপর পরে এটা আসানসোলে অন্যান্য হসপিটালের সঙ্গে টাই আপ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। জুপিটার ফাউন্ডেশন আজকের দিনে যে কাজগুলো করছে সেগুলো সাক্ষী সমস্ত কুলটিবাসী। আমি জুপিটার ফাউন্ডেশনে অরূপ দা এবং চৈতালি দিকে তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার আপনার নাম কে হুয়া? মঞ্জিত সিং। আজ ইহা পে আপ কার্যক্রম আয়ে কেসা লাগ রহা আপকো? বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। আচ্ছা, ইসকে লিয়ে মে আজ 26 জানুয়ারি হ্যায়, আজ বহুত মহান দিবস হ্যায় অর অরূপ দা ইসকে চালু কিয়া জুপিটার ফাউন্ডেশন কা ফ্রি সার্ভিস কে দে রহা হ্যায়। ইয়ে জো অ্যাম্বুলেন্স হ্যায় ইয়ে ফ্রি সার্ভিস 12 কিলোমিটার অ্যারাউন্ড ইয়াহ সে লেকে আসানসোল তক ফ্রি সার্ভিস রহেগি জো গরিব 80% জো হ্যায়, অর উসকে বাদ জো ইসকে বাহার জো জায়েঙ্গে उसके लिए सब तेल का खर्चा दिया जाए। और ये जो है हम लोग ये सब मिले कर रहे हैं, अरूप दा यहाँ से जो बोले अभी तरुण दा बोले हैं कि यहाँ से वृंदावन गली ऊपर कल्टी होके यहाँ से विभिन्न जगह से होते हुए ये 12 किलोमीटर अपना एरिया कवर कर लीजिए। जुपिटर फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जुपिटर फाउंडेशन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं, पहले तो ये पानी का कर रहे थे, ये समाज से जुड़े हुए हैं, बहुत एक्टिव आदमी हैं और ये आज एम्बुलेंस देकर अपना दिखा दिए हैं कि हम समाज के लिए हम क्या करना चाहते हैं और आप आगे क्या करेंगे। इनकी मनसा पूरी मालूम हो रही है, ये आगे समाज के लिए बहुत ही प्रेरित आदमी है, एनर्जेटिक आदमी है। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। हम लोगों ने देखा कि आज आपने गरीबों के लिए एक फ्री कॉस्ट ऑफ एम्बुलेंस सर्विस चालू किया, ये आपके मन में कहाँ से आया था? एक्चुअली देखिए, हम इस एरिया में देखे हैं जो बहुत से पेशेंट्स हैं, जो बहुत गरीब आदमी हैं, जो एम्बुलेंस इमरजेंसी में हायर कर नहीं पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, उसके पास फंड्स नहीं रहता है। तो मैंने इस बार डिसीजन लिया था कि हम कुल्टी से इस अंचल में सर्वप्रथम जो है फ्री एम्बुलेंस सर्विस चालू करेंगे। तो ऐसे फ्री सर्विस तो हमारा बहुत है, जैसे हम पानी का फ्री सर्विस आज 5 साल से चला रहा समूचा स्कूल्स को, और जैसे गरीब आदमी को शादी में हुआ, कोई क्लब का कोई प्रोग्राम हुआ, कहीं कोई सोशल वर्क हो रहा, तो उसमें हमारा तरफ से फ्री पानी जाता है। और दूसरा बात यह है कि हम अकेले इस काम को तो कर नहीं सकता, मेरा साथ साथ 5-6 क्लब जो यहाँ का है,
जैसे आपको आईजी कॉलोनी का दुर्गा पूजा कमेटी है, तरुण संघ है, बजरंग तरुण संघ है काठपुल का, जैसे बजरंग बली मंदिर नॉर्थ कुरीपाड़ा का है, आपको रथ कमेटी है आपको मोहन सिंह डंगाल का, और बीएनआर का जो छठ पूजा कमेटी है, ये सब मेरा साथ जब भी हर रात को भी बुलाते हैं तो ये लोग आता है, और ये लोग के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं बताता है, ये लोग अपना और तरक्की करे और आगे बढ़े। और हम लोगों ने देखा है ना, आपने पानी डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद आपने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, आज आपने एम्बुलेंस सर्विस फ्री में दिया, इसके बाद जुपिटर फाउंडेशन का फ्यूचर प्रोग्राम क्या है? फ्यूचर प्रोग्राम देखिए, हम एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी करने के लिए बहुत जल्दी शुरू करने वाला है, कहीं अच्छा जगह मिल जाएगा जहां पर पब्लिक का इजीली आना जाना संभव है, एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी बनाने का प्रोग्राम कर रहा। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है आपको हेल्थ और फूड एंड क्लॉथ फॉर द पुअर, तो ये तीनों को हम लोग, हमारा साथ जो संगठन है, जो क्लब है, ये सब हमारा साथ है, ये लोग हमको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है, इस क्लब को लेके हम आगे बढ़ेंगे। सर, जैसा कि आज 26 जनवरी है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन, आजादी का दिन है, इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं आप? हाँ, तो आज का दिन के हमारा जुपिटर फाउंडेशन का तरफ से हम भारत का हर नागरिक, हर बुजुर्गों को, हर आदमी को हमारा तरफ से आज प्रजातंत्र दिवस का शुभेच्छा बता रहे हैं। धन्यवाद।